दोस्तों आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये स्मार्ट कार्ड है सर, जो हमारे यूनिवर्सल स्मार्ट कार्ड है। ये इसके एक्चुअली 512 या 1 GB के रैम से अलग अलग दो तरह के कार्ड आते हैं मार्केट में, पर बेसिकली ये जितने 512 वाले कार्ड आते हैं वह ज़्यादातर उसमें एक कम्प्लेंट भी आती है। 1 GB वाले कार्ड में भी कम्प्लेंट आती है। ये इसका CPU प्रोसेसर इसका हीट होने लग जाता है। वैसे ये कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, कभी हैंग हो जाना, कभी कुछ है, या हल्का सा थोड़ा अगर थोड़ा आपने नट बोल्ट से टाइट कर दिया थोड़ा हल्का सा भी ये रीस्टार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे कई फाल्ट आ जाते हैं इसमें। तो बेसिकली मैं आपको जिसके फाल्ट में बता रहा हूँ, हमारे जो फाल्ट आया था रीस्टार्ट का फाल्ट आया था, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये बार बार एक्चुअली देखो बार बार ये रीस्टार्ट कर रहा था। तो रीस्टार्ट में आपने फॉल्ट कैसे निकालना, देखो डिस्प्ले आई साथ ही में रीस्टार्ट करने लग गया। तो कहने का मतलब इसमें आपने कैसे फॉल्ट निकालना है इसकी मैं आपको विधि बताने लगा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कम्प्लेंट आ जाती है इस कार्ड में, क्योंकि ज़्यादातर इस कार्ड में सॉफ्टवेयर चाड़ने से भी अब की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सॉफ्टवेयर चाड़ने से पहले आपको एक बात याद ध्यान रखना कि इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है इस कार्ड में, जितने भी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम होती है उनमें कोर वोल्टेज या कुछ 0.9 वोल्ट, जैसे पहले मैं बताऊँ 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट या 1.8 वोल्टेज या 1 वोल्टेज के, यानी इस वोल्टेज के चक्कर में ही फॉल्ट आता है बेसिकली रीस्टार्ट का। तो कभी किसी भी कार्ड में प्रॉब्लम आए तो ये वोल्टेज आप जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उसमें खास करके ये वोल्टेज खास करके चेक करने चाहिए। तो हमारे पास देखो पहले हमारा ये देखो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनते हैं यहाँ, 5 फिर हमारे 3.3 वोल्ट बनते हैं इसे, और यहाँ 3.3 वोल्ट से लो करंट की एक सप्लाई 1.5 वोल्टेज बनते हैं, यहाँ 1 वोल्ट बनते हैं। यानी तो कहने का मतलब है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इस पर वैसे सारी इन्होंने सब को लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे जाना। ये देखो ये को 1.5 वोल्टेज 1 वोल्टेज, कहने का मतलब है ये हमारे 5 वोल्टेज, या दूसरी तरफ जो स्टेप डाउन कॉइल लगी हुई है तो इसका बेसिकली इन्होंने यहाँ विवरण दिया हुआ है वोल्टेज का। दूसरी तरफ देखो जो वोल्टेज बनते हैं सारे, इन्होंने वैसे सारा डिस्प्ले दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारा फॉल्ट है बेसिकली, जो अभी रीस्टार्ट का फॉल्ट है, हमने कैसे लोकेट करना है, तो बेसिकली यहाँ एक देखो वहाँ ए VDD पॉइंट है बेसिकली, ये बेसिकली इस पर हमारे जो इस कार्ड में फॉल्ट आता है वो VDD वोल्टेज और CPU को जाते हैं वैसे, तो ये फॉल्ट हमारा इस केस में आता है। तो आपने कुछ नहीं करना यहाँ, तो अभी हमारे को ट्रिक बताता हूँ ऐसे सोल्व करनी है आपने प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये जो 1.2 वोल्टेज की कॉइल है CPU के VDD सप्लाई होती है, ये आपने कॉइल को निकाल देना। देखो अभी हमने कॉइल को निकाल दिया हुआ, तो इसके बाद ये एक सप्लाई रेगुलेटरली एक छोटी मार्केट में अलग अलग सप्लाई की एक सर्किट आता है, जो इससे बाय डिफॉल्ट इसमें कोई एक्चुअली आपने देखो इसमें अलग अलग वोल्टेज दिए हुए, कुछ नहीं इसको कोई ज्वाइंट नहीं करना आपने, बेसिकली ये सीधा बाय डिफॉल्ट 1.2 वोल्टेज बनते हैं। तो हमारा जो फॉल्ट आया था इस केस में मैं अभी बताने लगा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट देखो इधर 5 वोल्ट आपने इस रेगुलर सर्किट को दे देने हैं, और आगे बाय डिफॉल्ट बिना कोई ज्वाइंट किए सीधा ही इसके 1.2 वोल्ट बनते हैं। तो 1.2 सप्लाई ये सीधा इसके CPU VDD पॉइंट को जहाँ लिखा हुआ है वैसे VDD या CPU के 1.2 वोल्ट इसको दे देने हैं, तो आपका 101% फॉल्ट है जो वैसे निकल जाता है। तो अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो अभी ये हमने एक्चुअली अलग अलग जो सप्लाई रेगुलेटर सर्किट लगाया, तो ये भी हमने स्टार्ट किया, ये देखो दोस्तों। तो हमारे जो पहले अपने रीस्टार्ट की प्रॉब्लम थी, बार बार ऑटो रीस्टार्ट हो रहा था इस कार्ड में, तो ये प्रॉब्लम हमारी बेसिकली निकल चुकी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब कभी आपको इस कार्ड में कोई प्रॉब्लम देखो कभी प्रॉब्लम आए तो ये कार्ड में ऐसा है, मतलब ये कार्ड बेसिकली इस कार्ड में
ये प्रॉब्लम आती आती है एज रीस्टार्ट की, तो आप ऐसे सोल्व कर इसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।